वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉक्स। ये जे ब्लॉक पालम विहार में 270 स्क्वायर प्लॉट साइज है और इसमें थर्ड फ्लोर बचा हुआ है, बाकी सारा सोल्ड आउट है। ये आपको पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। प्राइस की प्लीज चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे इसका हो गया रैम्प एरिया, यहाँ पे 3 गेट मिली हुई। इसका हो गया फ्रंट फजार जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। मूविंग ऑन टू द स्टिल पार्किंग, और ये इसका लुक एंड फील है पार्किंग का। और ये इसका हो गया पार्किंग एरिया। यहाँ पे स्टोरेज टैंक दिया हुआ है, तीन हेलीटर का स्टोरेज टैंक, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे पानी का मीटर का दिया हुआ है। और ये पार्किंग हो गया, और सामने ये पार्क है, सामने पार्क है, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। फ्लोरिंग पे काम किया गया है मार्बल का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे गैस का प्रोविज़न यहाँ दिया हुआ है। और ये पार्किंग हो गई, और ये लिफ्ट लॉबी है, इसमें भी काम करा गया है मार्बल का। एसएस की रेलिंग दी गई है इसमें, और सेंडर की लिफ्ट है इसमें, जो कि आप देख सकते हो। ये साइड बाय साइड से खुलती है, और यहाँ पे लिफ्ट जो है 5th तक जाएगी, ब्रांडेड लिफ्ट। और स्टेयर के से मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, इन्वर्टर के लिए दिया है प्रोविज़न, देख सकते हैं आप। एक इन्वर्टर रखा हुआ है, 3 इन्वर्टर यहीं पे आएगी। और ये इसका गेट का एंट्रेंस का डिज़ाइन हो गया, ये मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। और ये हो गया स्टेयर केस, लिफ्ट जो है 5th तक आएगी, सेंडर की लिफ्ट आ रही है इसमें। और SS की रेलिंग है, मार्बल का काम किया गया फ्लोरिंग पे, और ये छत हो गया। काउंटर वाउंटर सारे बना के दे रहे हैं इस तरफ, और इसमें फ्लोरिंग भी करके दे रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ ये भी बनाया हुआ है, गमले जैसा, दो बड़े बड़े साइज़ का बना हुआ है। और यहाँ इन्होंने आयरन का ये भी बनाया हुआ है इस तरफ, यहाँ भी मिल रही है आपको, फर्स्ट क्लास अच्छा थी है। जिनका विद्रूफ राइट नहीं है वो अपना यहाँ से जो भी प्लम्बरिंग का काम है, सिंटेक्स का काम है, अपना जाके अपना काम करवाएंगे। पर टॉप फ्लोर विद रूफ राइट तो बिक गया है वैसे, टॉप से नीचे वाला है। और ये वॉशरूम है, इसमें एक मिल रहा है वॉशरूम, इसमें काम करा गया है मार्बल का। फिटिंग सारे जैगवार के रहेंगे। यहाँ पे कमोट है, वॉश बेसिन है, और ये शावर रहेगा। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, पाइप सारे कवर कर दिए गए हैं सीट से। ये काउंटर हो गया, सिंटेक्स आ रहा है आपको, 1000 लीटर का सिंटेक्स टॉप पे। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉक्स। फ्रेंड्स, आज मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी, ये बेसिकली पालम विहार जे ब्लॉक में पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है, और इसमें टॉप से नीचे वाला ही बचा हुआ है। प्राइस के लिए प्लीज चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन, बाकी सारा सोल्ड आउट है। अच्छी प्रॉपर्टी है ये, फर्स्ट बेडरूम है, कॉमन वाशरूम है, सेकंड बेडरूम अटैच वाशरूम हो गया, ये किचन है, ये ड्राइंग कम डाइनिंग है उस तरफ, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम हो गया, ये डाइनिंग हॉल हो गई, और ये थर्ड बेडरूम है, अटैच वाशरूम है। और ये जो प्रॉपर्टी फेसिंग है ये नॉर्थ हो गया, जो फ्लैट में एंट्री करते वो वेस्ट फेसिंग हो गया। लेट स्टार्ट द वीडियो। अगर बात करें फ्लोरिंग की, तो सारे में ही इटालियन फ्लोरिंग का काम किया गया है, मार्बल लगी हुई है जो कि आप देख पा रहे होंगे। फॉल सीलिंग में भी हेवेस का काम हुआ है, वुडन सीलिंग हुई हुई है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट बेडरूम की, फ्रेंड्स, तो इसमें काम किया हुआ है, ये जो बाथरूम है फ्रेंड्स ना, ये 2 साइड ओपन है, रूम से भी है, रूम से आप देख सकते हैं, रूम से भी है और हॉल से भी। अच्छा है कि गेस्ट भी कोई रहेंगे तो अपना एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर बात करें फ्लोरिंग की, इसमें काम करा गया है मार्बल का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ है, एसी के लिए प्रोविजन यहाँ दिया हुआ है, डोर यहाँ लगी हुई फर्स्ट क्लास, एक एसी का प्रोविजन यहाँ दिया है, टी पैनल यहाँ जाएगी। इसमें आपको वार्डरोब भी यहाँ पे मिल रहा है। और अगर बात करें फ्लोरिंग की, तो इसमें देख सकते हैं आप, सारे कीओ की फिटिंग्स हैं, फर्स्ट क्लास काम हुआ है इसमें, और लाइट्स भी जल जाती है, गीजर भी दे रहे हैं आपको एयू स्मिथ के। और यहाँ पे मैंने काम करा हुआ मार्बल का, जो कि देखने में काफ़ी एलिगेंट सा लग रहा है।
फैन ली दी हुई है इसमें, फर्स्ट क्लास लेआउट है इसका। ये इसका वॉशरूम हो गया, यहाँ कमोट है, वॉश मशीन है, और ये जो है आपका शावर हो गया। आप देख सकते हैं ये हॉल से भी एक्सेस कर सकते हो आप। ये टू साइड ओपन बाथरूम हो गया, इटालियन फ्लोरिंग का काम किया गया है इसमें। मूविंग ऑन टू द फ्रंट बालकनी, और ये फ्रंट बालकनी हो गई। अगर बात करें फ्लोरिंग की, इसमें भी काम करा गया टाइल्स का, आयरन की इसमें आपको रेलिंग दी हुई है फर्स्ट क्लास, पाइप सारे कवर कर दिए गए हैं सीट से, और सामने पार्क है, ये रोड भी काफ़ी वाइड है। और ये हो गई रेलिंग। मूविंग ऑन टू दी, ये आपने देख लिया, ये हॉल से भी एक्सेस कर सकते हो इसको आप। ये आप देख लो यहाँ से लुक एंड फील, एक बड़ी देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। ये आप देख सकते हो ये फ्लोरिंग में काम किया गया है मार्बल का फर्स्ट क्लास, और ये लुक एंड फील है वॉशरूम का। और ये इसका हो गया सेकंड बेडरूम। फ्रेंड्स अगर बात करें सिर्फ फ्लोरिंग की, इस पर भी काम करा गया है इटालियन फ्लोरिंग का, और फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन से लग रहा है। कॉप लाइटिंग की गई, एसी का प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। और इस तरह आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज़ की वार्डरोब मिल रही है इसमें आपको, ऊपर तक इंटैक्ट है ये, काम काफ़ी सॉलिड हुआ हुआ है इसका। फ्रेंड्स सारे सॉफ्ट क्लोज है। इस तरह भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। सारे सॉफ्ट क्लोज है। मूविंग ऑन टू द अटैच वॉशरूम, ये इससे अटैच है। अगर बात करें उसकी फ्लोरिंग की, इसमें भी काम करा गया है मार्बल का फ्लोरिंग में, जो कि आप देख पा रहे होगे, और टाइल्स का काम किया गया है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें सारे फिटिंग्स एयू स्मिथ के, गीजर हैं कीओ के, सारे फिटिंग्स हैं, और इसमें टच ग्लास भी दी हुई है जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। फ्रेंड्स ये नीचे वारंटी मिल रही है, सारे एसेसरीज लगे हुए हैं यहाँ पे, आपके ब्रश के लिए, यहाँ पे हैंड वॉश के लिए भी लगा हुआ है। जैगवार के सारे फिटिंग्स हैं, टैप के फिटिंग्स, और हिंडवेयर इटैलियन कलेक्शन का वॉश बेसिन है, और हिंडवेयर इटैलियन कलेक्शन का ये कमोट हो गया, और ये शावर के टैप्स हैं वो भी जैगवार के दिए हुए हैं। और यहाँ पे काम किया गया है फ्लोरिंग में मार्बल का, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत से काम हुआ हुआ है इसमें वॉशरूम में। और ये भी फ्रंट बालकनी से हो रहा है कनेक्ट। फ्रेंड्स आउटर के लिए सारे प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी इन्होंने काम करा हुआ टाइल्स का, ये आपने देख लिया। और यहाँ से हम लोग एंटर किए थे, अभी इसको मैं करता हूँ बंद। और ये आप डोर का डिज़ाइन देख सकते हो, डोर शट के सारे लॉक दिए हुए हैं। यहाँ पे टी पैनल आएगा, यहाँ पे वीडियो कॉल डोर आ जाएगी यहाँ पे। और ये इसका इसमें काम करा गया है मार्बल का इटालियन फ्लोरिंग का, फॉल सीलिंग भी काम हुई हुई जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ पार्टीशन भी इन्होंने करा हुआ है आपका, फॉल सीलिंग का काम हुआ है, एसी का प्रोविजन भी दिया हुआ है। और ये किचन हो गया, किचन की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें भी काम करा गया है मार्बल का जो कि आप देख सकते हो, और मॉडर्न किचन बनी हुई फर्स्ट क्लास, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है। इस तरफ भी सारे बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। इसमें आपको हॉब और चिमनी दोनों मिल रहा है, फैन भी मिल रहा है, एग्जॉस्ट फैन भी मिल रहा है। ब्रांड की बात करूँ तो फेवर की, इसमें आपको 3 स्टोव मिल रहा है हॉब, और इसमें चिमनी भी मिल रहा है, इस फेवर ब्रांड की दी हुई है। और यहाँ माइक्रोवेव OTG के लिए भी प्रोविजन दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो इसमें काम करा गया है मार्बल का, और डुअल सिंक के साथ ही मिल रहा है। जैगवार के सारे फिटिंग्स हैं, डुअल सिंक के साथ ही मिल रहा है आपको, और जितने भी फिटिंग्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे, सारे सॉफ्ट क्लोज है ये, सारे सॉफ्ट क्लोज है ये। और यहाँ विंडो, इसमें आपको वुडन डोर और विंडो का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये पुश करते ही, पुल करते ही खुल जाएगा। ये इन्होंने कुछ स्टोरेज के लिए दी हुई है। और ये पीछे का बालकनी होगी, अगर बात करें सिर्फ फ्लोरिंग की, इसमें भी काम करा गया है टाइल्स का। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाएगी आपकी, आउटर के लिए सारे प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं। किचन में जो एग्जॉस्ट पाइप यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पे ये चिमनी का दिया है पाइप, ये एग्जॉस्ट फैन का दिया हुआ है।
ये हो गया किचन, ऊपर में भी बॉक्सेस बने हुए हैं, एक बार देख लीजिए आप, बर्तन रखने के लिए सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। यहाँ भी उन्होंने कुछ स्टोरेज के लिए दी भी है, फर्स्ट क्लास है। और मूविंग ऑन टू दी, ये इसका जो है ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया आ गया। यहाँ इन्होंने कुछ पार्टीशन भी करा हुआ है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो इसमें भी काम करा गया है मार्बल का, और फॉल सीलिंग का भी काम हुई हुई है। एसी यहाँ जाएगा, ये आपका ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया आ गया। और ये बड़ा सा ह्यूज साइज है, और यहाँ आप इसको लाउंज बना सकते हो अगर आप बनाना चाहोगे तो। एसी का प्रोविजन यहाँ भी दिया हुआ है, एक यहाँ भी दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, ये इसका मास्टर बेडरूम हो गया फ्रेंड्स। जैसे ही घुसोगे आप, फ्लोरिंग देखोगे आप, लुक एंड फील आएगा, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इटालियन फ्लोरिंग है, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, एसी का प्रोविजन वहाँ दिया है, वार्डरोब एक इस तरह बनी हुई है। और यहाँ भी आपको फुल इसमें आपको मिरर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये भी जो जो आपका ये रूम है थर्ड बेडरूम, ये पीछे की बालकनी से हो रहा है कनेक्ट, आयरन की रेलिंग दी हुई है इसमें, यहाँ पाइप सारे कवर कर दिए गए हैं सीट से। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की फ्लोरिंग की, तो इसमें भी काम करा गया है मार्बल का, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये इटालियन फ्लोरिंग का काम हुआ हुआ है। यहाँ पे हैंडवेयर का कमोड है, और वॉश बेसिन दी हुई है, और टाइल्स का काम किया गया है वॉल में। एयू स्मिथ की आपको एग्जॉस्ट फैन, इसमें आपको गीजर मिल रहा है, और इस तरह फिटिंग जितने भी हैंड टैप के फिटिंग सारे जैगवार के फिटिंग्स रहेंगे, और फैन भी क्रॉम्पटन का फैन दिया हुआ है इसमें। और ये आप देख लीजिए इसका वार्डरोब, सारे में प्रोफाइल लाइटिंग भी की गई है फर्स्ट क्लास, स्टोरेज की लैम्पल स्पेस दिया हुआ है इसमें, साइड में भी आपको यहाँ पे एक ड्रॉअर दी हुई है, ऊपर तक है ये, सारे सॉफ्ट क्लोज है। मूविंग ऑन टू दी, ये इसका डोर का डिज़ाइन हो गया। अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, प्राइस के लिए प्लीज़ चेकआउट दी डिस्क्रिप्शन। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।